प्रधानमंत्री जी, कबीरदास कहते थे कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। ये आप पर बिल्कुल ठीक बैठती है बात। 9 साल आपने गंवा दिए इस देश के, इस देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को गाली देकर। 3-3 पीढ़ियों का अपमान करते हैं जब आप बोलते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तब नहीं आपको देश की छवि की चिंता होती। संसद में खड़े होकर पीठ थपथपाते हैं अपनी, एक अकेला सब पर भारी, विश्व देख भी रहा होता है और हंस भी रहा होता है, तब नहीं चिंता होती है आपको देश की छवि की। जब छुई मुई बनकर आप देश के मीडिया को लाल आंख दिखाते हो, विदेश के मीडिया पर रेड डालते हो, तब नहीं चिंता होती आपको देश की छवि की। दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हो कि भारत में पैदा होना भी दुर्भाग्य माना जाता था, तब नहीं परेशान होते आप कि देश की छवि के साथ आप क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपको नहीं समझ में आ रही है बात प्रधानमंत्री जी, कुछ गलत फहमियां आपने पाली हुई हैं अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं, आपकी अनुमति से सूरज उगता नहीं है, आपके भय से चंद्रमा अस्त नहीं होता। ये गलत फहमियां अपने मन से निकाल लीजिए, और अगर आपको देश की छवि की ज्यादा चिंता है या अपनी छवि की बहुत ज्यादा चिंता है तो ये समझ लीजिए कि अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा।